यह हम लोगों के राष्ट्रीय धरोहर की बात है। इसी तरह सब चोरी हो जाएगा। इतनी कोशिशों के बावजूद भी हम चोरों को नहीं रोक पा रहे हैं। कोई न कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करोगे, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। उपाय तो एक है। है क्या उपाय है बताओ। हाँ मिस्टर शर्मा। हाँ मिस्टर शर्मा, जो एक कर्नल है। वाओ, इज इट फिलामेंट के देश में? हम लोग मिशोर में जाएंगे दादाजी। हाँ बच्चों, क्विकली रेडी हो जाओ, सारे सामान तैयार कर लो, कल सुबह ही निकलना है। टॉमी तो चलेगा हम लोगों के साथ? टॉमी तो जाएगा ही हम लोगों के साथ। वेलकम वेलकम मिस्टर शर्मा। आइए आइए, वेलकम टू इजिप्ट। वाव, वो देख हैनी, पिरामिड। वाव, इसकी तस्वीर किताबों में देखी थी, आज सच में देख रही हूँ। तुम सब होटल में जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ठीक है दादाजी, चल हैनी, थोड़ा आराम करके पिरामिड देखने जाएंगे। चलो 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 भैया, दादाजी जल्दी आइएगा। ओ टॉमी, घूमने आए हो, नींद आ रहा है तुम्हें, चलो जल्दी से। हाँ यह तो बहुत चिंता की बात है, हम लोगों की सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई हैं। अब आप ही कुछ उपाय निकाले कर्नल साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, जहाँ से अंतिम बार चोरी हुई थी वहाँ जाकर एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है चलिए तब। प्योर गोल्ड था कर्नल साहब, शुद्ध सोना। आश्चर्य की बात है, तो चोरी किया किसने? हम लोगों की राष्ट्रीय धरोहर थी कर्नल साहब। अच्छा, मूर्ति की कोई तस्वीर मिलेगी? जरूर, ये लीजिए। विचित्र विचित्र, ठीक है चलिए वहाँ चला जाए। बहुत चिंता की बात है। कुछ सोचे हैं दादाजी? चोर को पकड़ने के लिए कुछ तरीका सोचे दादाजी? नहीं नहीं, अभी नहीं मिला। सुनो सुनो, सब तैयार हो जाओ, हम अभी निकलेंगे। वाव, वो मूर्ति कितना सुंदर है ना? सच में कितना सुंदर है वो मूर्ति। अरे ये तो वही तस्वीर जैसा है।
एकदम वैसी ही। नहीं चलो। नहीं, थोड़ा और देर घूमते हैं दादाजी प्लीज। अभी चलो, बाद में आएंगे। टॉमी चलो मेरे साथ, तुम में से कोई होटल से नहीं निकलोगे। ठीक है दादाजी। बोलिए महाशय, आप क्या लेंगे? अच्छा, इस मूर्ति की कितनी कीमत होगी? केवल 2000 रुपए महाशय। नकली नहीं, एकदम असली। चुप। हाँ? अरे भाई, असली ही तो चाहिए। मतलब? सुनो, मैं असली मूर्ति ही खरीदता हूँ, नकली नहीं, समझे? चलो चलो, यहाँ से चलो चलो। रुकिए महाशय, रुकिए। अब क्या हुआ? बोल रहा हूँ, आप असली ही मूर्ति पाइएगा। वह मेरे पास नहीं है, पर मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। इसका मतलब? हाँ, आगे पता तो बताओ। आज रात में आइए, सब हो जाएगा महाशय। जी, हम आ रहे हैं। ओह टॉमी, तू बहुत ही डरपोक है। चुपचाप आओ। हाँ? हाँ? असली मूर्ति चाहिए ना। हाँ, असली मूर्ति चाहिए, लेकिन कीमत बहुत लगेगी। कीमत की चिंता मत करिए, आप मूर्ति दिखाइए ना। ठीक है, आइए मेरे साथ। देखिए असली मूर्ति। पहले कीमत दीजिए, उसके बाद मूर्ति ले जाइए। अभी कीमत दे रहा हूँ। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई भागने ना पाए। पकड़ो उन लोगों को। पुलिस पुलिस, भागो 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 यहाँ से, भागो भागो भागो। पकड़ो 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 पकड़ो, आ मूर्ति चोर को पकड़ो। आ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। अरे बाप रे, भागो 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 भागो। भैया वो लोग भाग रहे हैं, पकड़ो पकड़ो उनको। अभी पकड़ रहा हूँ। हाँ,
भागो 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 मेरा क्या होगा मेरा क्या। मुझे तो पकड़ लिए महाशय, लेकिन मूर्ति नहीं मिलेगी। खोज लीजिए खोज लीजिए। चल बेटे चल, ले जा इस शैतान को। मूर्ति को रखा कहाँ है? खोज देखे तो मूर्ति। टॉमी रुक जाओ, ठहरो। अरे ओ कितना खतरनाक। धन्यवाद कर्नल साहब, आपने जो उपकार किया उसका कोई मूल्य नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात मत बोलिए। सुनिए, आप कहाँ भाग रहे हैं? मुझे छोड़ दो, मैंने चोरी नहीं किया है। चोर को आश्रय देना भी अपराध है। चलो चलो थाना, चलो चलो चलो। मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। मैं कान पकड़ता हूँ। आपके इस उपकार के प्रति हम सदा कृतज्ञ रहेंगे। बताइए बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ एक सामान चाहिए। क्या सामान कर्नल? दुकानदार की नकली मूर्ति। हैं? उसकी उचित कीमत आपको मिलेगी। ना 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 ना, ना। यह हम लोगों की ओर से आपके लिए।